हेलो माय लवली व्यूअर्स। तो आज है सैटरडे और आज मैं कहाँ चली? आज मैं चली हल्दी कुमकुम मनाने। एक्चुअली नागपुर में ये मेरी पहली हल्दी कुमकुम है, तो सोचा था मैं अपने घर पे भी मनाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ मेरा पूरी तरह से घर जमा नहीं है। आप देख सकते हो पीछे कितना मैस हो रहा है, और फिर मेरी यहाँ उतनी किसी से पहचान भी नहीं हुई है, और फिर पूरे अरेंजमेंट्स करना, तो वो उतना माइंडसेट हो नहीं पाया। तो मेरे इन लॉज क्या मतलब मेरी देवरानी जेठानी हल्दी कुमकुम सेलिब्रेट कर रही थी, तो मैंने बोला आप लोगों के यहाँ भी तो वही रिश्तेदार आने वाले हैं ना जो मैं बुलाऊंगी, तो मैं आप लोगों के साथ अपना हल्दी कुमकुम सेट कर लूंगी। तो उन्होंने बोला आ जाओ, तो मैं अपना पूरा ताम झाम लेके वहां जाने की तैयारी कर रही हूँ, और ये मेरा आज का लुक है। और आपको तो पता है मुझे सजने संवरने का कितना शौक है, तो मौका चाहिए बस मुझे। और यहाँ पर है ना, एज यूजुअल मुंबई में भी आपने देखा होगा, तैयार होने के बाद विनय कार साफ करेंगे। वैसे टाइम मिलता नहीं है तो मैंने रील्स बना ली है। आज संडे है तो इस मार्केट में हमें जगह मिल गई है पार्किंग की, अदरवाइज हमें नहीं मिलती है। तो चलो आपको ले चलती हूँ अपने इन लॉज के यहाँ। और यहाँ पर हम आ चुके हैं बुधवारी। नागपुर में एक जगह है बुधवारी जहाँ पर मेरे ससुराल है, तो वहां पर हम लोग आ चुके हैं। और आज संडे है इसलिए हमें इस मार्केट में पार्क करने की जगह मिल गई है, वरना जगह ही नहीं मिलती है। और ये वो गली है, तो गली में ध्यान मत देना क्योंकि आज संडे है तो साफ हो नहीं पाई है। तो ये बहुत बहुत भीड़ वाली हमारी जगह है, और यहाँ पर मैं अपने ससुराल में जा रही हूँ। तो ये बीच में कुआ आया था, कुआ है, तो अब हम लोग यहाँ पर चढ़ रहे हैं। मुझे लगा मैं लेट हो गई, मुझे लगा मैं लेट हो गई। लेकिन कोई आया? हाँ, लेट ही आते ना। आराम से आते हैं अपने हिसाब से। सब है चिंटू ने बस। ओके, आते थे ना। मैं सारे सारे रस्ते मैंने आधे आधे घंटे मैंने रील भी बना ली। मैं तैयार होते तो फिर अपन रील भी बना लो। हाँ, अब तो इसके आदत हो गई ना, बहुत आदत। अब तो ऐसा लगता है कि नहीं कर रहे हैं तो कर ले, कुछ छूट जाएगा। और पता है बहुत पुराना वाला भी कुछ देखते हैं ना तो अच्छा लगता है। अरे हम ऐसे लगते थे क्या? मतलब थोड़ा चेंजेस आते जाते ना इसमें। चिंटू यानी लाइट और चालू करना, अंधेरा अंधेरा लग रहा है। क्या म्हणता तुम्हाला सोडून गेले? सवय झाली आहे। कुठे जातील दम परत? और यहाँ पर हमने हल्दी कुमकुम स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी, और पता है मुझे जाना भी था। तो फिर मैंने बाकी लोगों का वेट भी नहीं करा, मैंने बोला भैया मुझे जल्दी जल्दी दे दो, अगर मेरे जाने से पहले अगर आ गए तो मैं उनको हल्दी कुमकुम कर दूंगी। क्योंकि अभी मुझे ना बहुत दूर है, विनय के साथ मैं आती हूँ तो रास्ते भी पता नहीं रहता, और ठंड का टाइम वैसे ही चल रहा था, मतलब मुझे घर भी जाना है तो मैं इतना वेट नहीं कर सकती। पड़ा हुआ है अब घर घर जैसे लगेगा ना, थोड़ी ना होटल के रूम जैसा। नहीं वो घर वो बहुत होटल से बेकार से लग रहा है, वो जम सा नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हमारे उसमें पैसा भी इन्वेस्ट करने में ऐसा लग रहा है किराए के मकान में क्या ही इन्वेस्ट करो। मतलब जैसे पार्टीशन थोड़ा सा कर दो, थोड़ा सा ये कर दो, क्या इन्वेस्ट करो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब अभी तो सब ऐसे जमीन पर रखे। भाभी आओ ना, प्रीति आओ ना। नहीं वो बाद में बंद, वो पॉज कर दो, वो बाद में मेरा अभी क्यों खराब हो जाएगा। आ गए आ गए, मेरे फिट में होना चाहिए। हां ये भी आप कुछ ज्यादा ही भूल लगी है। मैं इस तरफ ध्यान ही देती हूं। अच्छा मैं ही अकेले बैठी बात करूंगी क्या? नहीं करूंगी। हाँ बस बस बस
हमारा हल्दी कुमकुम सेलिब्रेट हुआ। बाद में भी लोग बाग आते रहे, लेकिन फिर मैंने वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं भूल भी जाती हूँ ना वीडियो बनाना, तो मैं बना ही नहीं पाई। और ये नागपुर पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा हुआ था क्योंकि उस दिन हमारे घर में रामलला आए थे, उनकी स्थापना हुई थी, तो अलग ही एक रौनक थी। आप लोगों का कैसा माहौल रहा ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके।